अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आ पाए, थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो आरजू जी, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। सबसे पहले तो दो खबरों पे हम बात करेंगे। एक तो जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट ने या भारत की गवर्नमेंट ने जो है पाकिस्तान को कहा है ऑफिशियली कि हाफिज सईद को हैंड ओवर किया जाए। उसके ऊपर बात करेंगे कि ये ख्याल क्यों आया और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से क्या रिप्लाई आएगा, क्या आना चाहिए। और दूसरी बात हम कतर की करेंगे कि वहां पर जो नेवी ऑफिसर्स आपके फंसे हुए थे और उनको मौत की सजा सुनाई गई थी, वो तो फिलहाल रोक दी गई है और कहा गया है कि वो नहीं होगी। बाकी दूसरी सजाएं हो सकता है कि किसी को 5 साल, किसी को 10 साल या 2 साल, ऐसा कुछ चले। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ी जो है वो भारत की कामयाबी या भारत की सक्सेस या अचीवमेंट के तौर पे इस खबर को देखा जा रहा है। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हाफिज सईद के बारे में क्या कहेंगे आप? अब हाफिज सईद के बारे में आप क्या बात कीजिएगा। मैन हैज बीन डिक्लेयर्ड, वो उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के घोषित आतंकवादी हैं। अब वो आप ही के टीवी चैनल का, मैं बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था, किसी आप ही के टीवी चैनल पे, पाकिस्तान के टीवी चैनल पे किसी सज्जन ने एक सेंटेंस बताया था कि हाफिज सईद कौन सा अंडा दे रहा है हमें। वाकई में क्या अंडा दे रहा है हाफिज सईद? हाफिज सईद की कौन सी ऐसी बात है जो आज पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए रिलेवेंट है? वो स्पेस साइंटिस्ट है, वो फिलोसोफर है, सिवाय इसके कि मोदी मैं तुझे दिखा दूंगा बदला क्या होता है, 4 लोगों को इधर मरवा दूंगा, उधर टेररिस्ट एक्टिविटी करवा दूंगा, इसके अलावा क्या है हाफिज सईद का अचीवमेंट भाई? क्या ऐसा समाज पाकिस्तान बनाना चाहता है? ये तो पाकिस्तान के लोगों को पूछना होगा। हैजंट द टाइम कम टू क्लीन योर हाउस एंड पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर? क्या नवाज शरीफ साहब ये बातें नहीं कह रहे कि ये हमारी गलतियां हैं? आप देखिए, वैमनस्यता इतनी बढ़ गई है दोनों सोसाइटीज में कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, एक दूसरे पे डिस्ट्रस्ट है। मेरा खुद का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान कल को ताकतवर हो गया तो वो भारत को रौंदने में एक समय नहीं लगाएगा। तो भारत से दोस्ती किया, पाकिस्तान से दोस्ती की जाए कि ना की जाए, इसको लेकर के तो मैं भी संशय में रहता हूं। तो कम से कम लोग जाने तो एक दूसरे को कि क्या है क्या नहीं है। अब आप अगर एक गुडविल जेस्चर देना चाहते हैं तो दो काम कीजिए भाई, भारत को गलियाना बंद कीजिए और हाफिज सईद इज अ क्रिमिनल। मुंबई 26/11 के लोगों के खून उनके हाथ में है भाई, कितने टेररिस्ट एक्टिविटी उसके हाथ में है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, लोगों को बैठे हुए रेस्टोरेंट में गोलियां मरवा देना, डिस्प्यूट तुम्हारा कश्मीर में है और तुम जाकर के बॉम्बे के छबाड़ हाउस में बेचारे यहूदी रेबाई को मरवा रहे हो, ये कौन करता है? ये मानसिक बीमारी है आरजू जी, दिस इज अ मेंटल, दिस मेंटल प्रॉब्लम। तो अगर भारत दे भी रहा, कह भी रहा है तो एक्स्ट्राडाइट करवा दीजिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ में एक प्रिंसिपल है, ओ डेडिकेयर और जुडिकेयर, इधर यू प्रोसिक्यूट और यू एक्स्ट्राडाइट। आप क्या करना है हाफिज सईद? दे दी, आपके समाज में यूटिलिटी वाला है तो दे दे। 26/11 को आपके यहाँ पे ही वो खोसा साहब थे, उन्होंने लिख करके डॉन में कहा था कि हमारे यहाँ से हुआ है, क्लिपिंग्स मौजूद है, डायरेक्शंस दिए जा रहे थे। अरे तो खत्म कीजिए ना इन इन चीजों को, प्रोसिक्यूट करके अपनी सिंसियरिटी दिखाइए ना। इन लोगों को आप अपने यहाँ जेलों में रख के ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, ऐसी बातें आप करते हैं, समाज कहाँ ले जा रहे हैं आप? तो अगर मांगा है हाफिज सईद को, मैं भी मानता हूँ कि हाफिज सईद को तुरंत हैंड ओवर करना चाहिए और इंडिया में उनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। आपको लगता है पाकिस्तान क्या करेगा? अब इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, एक के बाद एक अननोन किलर जो है वो किसी का ना किसी को मारते जा रहे हैं, कोई राइट हैंड है तो कोई मास्टरमाइंड कहला रहा, तो आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान इस मूड में है कि ऐसा होगा? और जो सपोर्टर यहाँ पे बैठे हैं हाफिज सईद के, उनका क्या रिएक्शन होगा? यहाँ तो बहुत सपोर्टर है उसके। ये किलर अननोन नहीं है, ये बड़े नोन किलर है, हमारे आपको अननोन है ना, मगर ये जो कर रहे हैं, ये जो करवा रहे हैं वो नोन है, बड़े अच्छे से नोन है उनको, आप समझ रही है? अब ये दिक्कत है कि ये नोन किसके हैं, ये आपके यहाँ के नोन है कि हमारे यहाँ के नोन है, कि पीछे तो कुछ डील हो गई है, क्योंकि ताबड़ तोड़ एक के बाद एक किया जा रहा है। हो सकता है आप ही लोग करवा रहे होंगे, भैया मौका आ गया घर साफ करवाओ, किसी अननोन किलर के नाम पे फाड़ दो, जबकि वो नोन है। ये भी हो सकता है कि रॉ करवा रही हो, ये भी हो सकता है कि आईएसआई करवा रही हो,
ये तो कोई नहीं जानता, ये हो सकता है दोनों मिलके करवा रहे हो। क्योंकि मुझे याद है गुजरात में एक बार कोई टेरर अटैक होने वाला था आज से 4-5 साल पहले, तो आईएसआई ने टिप ऑफ किया था कि भाई देख लो वहां पे होने वाला है कुछ ऐसा, मुशर्रफ के ऊपर जानलेवा हमला होने वाला था, रॉ ने टिप ऑफ करके मुशर्रफ की जान बचाई थी। सो थिंग्स हैपन, अब वो कोई अननोन नहीं है भाई, ही इज वेरी मच नोन, जो ये कर रहा है ही इज नोन टू द पीपल हु मैटर। बाकी तो हम लोगों को तो सब अननोन है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। अब आप कौन है, हमें नहीं पता, हम कौन है, आपको नहीं पता, तो ये तो अननोन कोई है ही नहीं यहाँ पे, नोन कोई है ही नहीं, सब अननोन है। तो इसलिए आरजू जी मुझे लगता है मगर सर कुछ रवैया, जी 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 जी, आप बोले आप बोले सर, कुछ रवैया बदला हुआ लग रहा है आपको पाकिस्तान का, रवैया कुछ बदला हुआ लग रहा है आपको पाकिस्तान का, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान अब कुछ और मूड में है और पॉसिबिलिटी है कि वापस सईद को हैंडओवर कर दे? पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान इज स्टेयरिंग एट फेलियर्स ऑन ऑल द फ्रंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक, सोशल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, हर आप या तो हाफिज सईद साहब को पालिए और या अपने लोगों को सहूलियतें प्रदान कीजिए, उनको आटा मुहैया करवाइए, उनको तेल मुहैया कराइए, उनको बिजली के बिल सस्ते कीजिए, उनका इन्फ्लेशन कम कीजिए, चॉइस आपकी है, चॉइस पाकिस्तान को करना है। हम कौन होते भाई आपको समझाने वाले, आपको तो वक्त समझाएगा, दुनिया में कोई किसी को नहीं समझा सकता आरजू जी, इसको मैं जानता हूं। जिसने आपका नुकसान करना है ना, आप उसके जितने हाथ पैर जोड़िए कुछ नहीं होगा, वो गला काट के ही जाएगा क्योंकि वो गला काटने आया है। तो वक्त समझा देगा आपको, पाकिस्तान को वक्त समझा रहा है। बातें बड़ी बड़ी करना, हम घास की रोटी खाएंगे और क्या नाम है उसका, रावी का शोरबा पी लेंगे और फड़नवा वाले पहाड़ से जाके नमक खोद के खा लेंगे, वो सब कहना बड़ी आसान की बातें हैं, लेकिन 24 करोड़ लोग जो कि आने वाले 10 सालों में 40 करोड़ होने वाले हैं, सड़कों पे गर्दने कटेंगी। इन्फ्लेशन आपका पता नहीं है कितना आपको है, डबल डिजिट मेरे ख्याल से 30-40% आपका इन्फ्लेशन है, आपके यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिकॉर्ड हाई पे है, कोई नौकरी है ही नहीं, और नौकरी कौन करेगा, नौकरी या तो गवर्नमेंट क्रिएट करती है, वो वाला सोशलिस्ट स्टेट का स्ट्रक्चर आपका है नहीं, आपका जो और दूसरा है प्राइवेट इंटरप्राइज होते हैं वो नौकरी क्रिएट करते हैं, क्या प्राइवेट इंटरप्राइज हो रहा है आपके यहाँ, ना तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है आपका। कल ही परसों मैंने सुना था कि आपका स्टॉक एक्सचेंज ही बैठ गया। तो चीजें जब बैठ रही हो ना, जब आदमी मरता है तो एक चीज होता है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, एक फेल होना शुरू होता है ना तो तड़ 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 सब फेल हो जाते हैं। पाकिस्तान को यह समझना पड़ेगा कि डू दे वॉन्ट अ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और डू दे वॉन्ट टू सर्वाइव। इफ दे वॉन्ट टू सर्वाइव देन क्राइम इज अ क्राइम, ह्यूमैनिटी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। वो लोगों को गोलियां मरवा देना इसलिए कि वो भारत से कश्मीर का प्रॉब्लम था, कश्मीर में सॉल्व करो, हम जाकर के लाहौर पे जाकर के, चूंकि पीओके पे तो हमारा भी क्लेम है, तो हम जाकर के लाहौर में इनोसेंट लोगों के ऊपर गोलियां बरसवाएं, हम जाकर के कराची में बेकरी हाउस में लोगों को बम विस्फोट करवा दे, ये हरकत करना है, ऐसे नहीं होता। अब आपको आपने अपने लोगों को बोला तालिबान को आने दो, अफगानिस्तान तो हमारे जेब में होगा, वही तालिबान आपको कह रहा है कि 4 कुत्तों के साथ जिन्ना आपको छोड़ के चले गए थे, कुत्ते से ट्रीटमेंट हो रही है, कुत्ते से कंपैरिजन हो रहा है। आप जो तालिबान है वो आपको मानने को तैयार नहीं है, मुंह लगाने को तैयार नहीं है, हर रोज आई बॉल टू आई बॉल की सिचुएशन है आपका तालिबान अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पे। ईरान ने अभी जो है 32 देशों को वीजा फ्री एंट्री दे दी है, आप उसमें शामिल नहीं हो। तो भैया कभी तो अंदर देख लीजिए, ठीक है आप पालिए क्या नाम है उनको हाफिज सईद को, और आप तैयार हैं घास की रोटी खाने के लिए, हम आपको घास की रोटी खाते हुए देखे बड़ा ही खुश होंगे, क्योंकि भाई आपकी ये इच्छा है। एक होता है कि भाई क्या खाना चाहते हो, भाई हम घास की रोटी खाना चाहते हैं, तो हम घास भी सप्लाई करेंगे जी। मगर सर यकीनन पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है और जो अननोन गनमैन आ रहे हैं, जैसे हम नोन आप कह रहे हैं बिल्कुल, तो वो रवैया देखते हुए थोड़ा सा ऐसा शक होता है आपको क्या, या आपको ऐसा कोई फीलिंग आता?
वो अपने अपने सिटीजन को किसी दूसरी कंट्री के हवाले नहीं करती क्यों नहीं करती है भाई, सारी दुनिया क्रिमिनल्स को आप जी। अगर हम कहा करें कि हवाले कीजिए, हवाले करना हमारा सेकंड डिमांड है, फर्स्ट डिमांड है उनको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट कीजिए और सारे एविडेंसेस को मानिए और उनको सजा दे दीजिए जो एक टेररिज्म की होती है आपके देश में। हम कहा कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप उनको प्रोसिक्यूट कर लीजिए, जब आप प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे तब हम कह रहे हैं एक्स्ट्राडाइट करो। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि हमने आपको सारे के सारे एविडेंसेस, जो उज्ज्वल निकम साहब थे जो इसको प्रोसिक्यूशन को देख रहे थे कसाब वाले मैटर में, वो गए थे पाकिस्तान, उन्होंने कहा है, उनका ऑन रिकॉर्ड है कि हमने सारे के सारे सबूत दे दिए। अब आपको सबूत मानना ही नहीं है, आपके सबूत के लिए सीधा ऊपर से अगर भगवान लेकर के आए तो आप मानेंगे सबूत को, वरना कोई चीज आप मान, आपकी दुनिया ये प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की जो फिलॉसफी है मानने पे है, हम नहीं मानेंगे तो सच एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और हम मानेंगे तो सच एग्जिस्ट करेगा। यानी कि अगर कल को पाकिस्तानियों को ये पढ़ा दो कि मत मानो सूरज है तो कहेंगे अंधेरा है, तो पाकिस्तान की ये मानने की फिलॉसफी जो है ये बड़ी डेंजरस है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, ये जो घास की रोटी आप लोग खाने का सोच रहे हैं, ये गाय और बकरियों का घास खा जाएंगे वो क्या खाएंगे, मैं तो उस चिंता में हूं। अगर आप घास की रोटी खाएंगे तो जो बेचारे घास खा रहे वो क्या खाएंगे, आपने तो फूड चेन को तोड़ दिया यार। मतलब सोचिए, मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के लोग घास चर रहे हैं और गाय और बकरी आपस में बात करिए कि यार ये इंसानों को चर लेने दो, जो बचेगा वो हम चरेंगे। आप तो भाई होश के नाखून ले, ऐसा ही लगता है सर। लेकिन सर देखते हैं कि इसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिप्लाई आता है, जो कि अभी तक मैं इंतजार कर रही हूँ, या तो मैंने देखा नहीं है या पता नहीं इन्होंने अभी तक रिप्लाई कोई किया नहीं है। मगर खैर इस एक बात तो है कि लेकिन सर आमिर सिंह को हम हीरो मानते हैं ना, तो हीरो को तो हम नहीं देंगे, ये मुझे लगता है। तो आप तो हर उस चीज को हीरो मानती हो जिसने भारत का नुकसान किया। और आप जैसे बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में, इस बात को भी मैं जानता हूँ, लेकिन पाकिस्तान की जो स्टेटेड पॉलिसी है, आज मैं आप ही के मुझे एक अवैश इकबाल साहब है, उनको मैं सुन रहा था एक चैनल पे, बड़ी पॉजिटिव बातें की, तो वो बड़ी अच्छी मुझे उनको सुन करके लगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो एक ये डील हो सकती है अंदर खाने, यू नेवर नो, आई एम जस्ट गिविंग यू वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल प्रिवी टू एनी ऑफ दीज फैक्ट्स, नीदर डू आई हैव एक्सेस टू दीज फैक्ट्स, बट ऑल आई एम गिविंग यू इज कंजेक्चर। क्या है वो कंजेक्चर, मेरे हिसाब से कि ये डील बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर आप अपनी हालात सुधारना चाहते हो, बिकॉज पाकिस्तान इज स्टेयरिंग एट इकोनॉमिक फेलियर इन कमिंग फ्यूचर, तो वो ये कह सकते हैं कि भैया मोदी जी चूंकि बड़े सख्त बार्गिनर हैं, मोदी जी जो है वो इंडिया उनके हाथ में बड़ा सुरक्षित है, मोदी जी है तो भाई मुमकिन है, हम तो इस थ्योरी वाले हैं, मोदी जी के हम प्रगाढ़ भक्त हैं, अंध भक्त हैं, गंध भक्त हैं, आपको जो कहना है कह लीजिए, हम सब वही हैं, मोदी जी वाले हम सब है भाई। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो हो सकता है कि डील हुई हो कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, वो मोदी जी के साथ संबंध जो है दोनों नए वाले इलेक्शन से नई शुरुआत करेंगे, और उसके बदले में एक ये हुई है कि जो पाकिस्तान अपना हाउस इन ऑर्डर करेगा, वो जो इस तरीके के तत्व है उनको वो मारेगा या खत्म करेगा या प्रोसिक्यूट करेगा, उसकी एक सीरीज शुरू हो चुकी है, तो मुझे कोई उसमें डाउट नहीं है कि आपकी खुद की इंटरनल एजेंसीज करवा रही हो एज अ डील टू स्ट्राइक अ नॉर्मल रिलेशनशिप विद इंडिया, बिकॉज आपने देख लिया ना हमास का 57 इस्लामिक मुल्क OIC OUC OIC ओ किसी ने नो वन सी हो गया, OIC से ओ आई डिडंट सी, ये वाली हिसाब हो गई। हमास को और फिलिस्तीन को रेत मतलब जिसे कहती है उन्होंने सपाट कर दिया है इसराइल ने, क्या कर लिया, क्या कर लिया 57 इस्लामिक मुल्कों ने मुझे बता दीजिए। और आपको ये भी बताऊं, हुतियों ने जब मारा मिसाइल, आज जो रेड सी क्राइसिस है उसका एक रीजन ये है कि हुतियों ने जब इसराइल पे मारा मिसाइल तो उसको सऊदियों ने और अमेरिकन ने इंटरसेप्ट कर दिया, तो सऊदिया भी इसराइल के साथ खड़ा हो गया। तो ये कहना कि जब आपके पास प्रॉब्लम होगी और अरब देश आ जाएंगे और आपको गोद में उठा के कहेंगे अरे रे मुन्ना बाबू हम हैं 57 में से 56 तो तुम हो आओ, अरे अब तक 56 हो चुका है आपका, नहीं देने वाले कोई आपका हेल्प। और अब जो आने वाला समय है, जैसे जैसे पेट्रोल की वैल्यू कम हो रही है, अल्टरनेटिव एनर्जी मार्केट में आ रही है, आरजू जी आई कैन वाउच फॉर इट कि अब पैसे चैरिटी में देने के लिए ना तो अरबों के पास होंगे और ना तो किसी के पास होंगे, चाइना तो वैसे भी नहीं देती, तो आप ये सोचिए आने वाले 10 साल में कहां से कमाइएगा,
40 करोड़ प्रोजेक्टेड आपका वो है, चूंकि आपके यहाँ पे ये भी एक बड़ी ज्ञानी परम ज्ञानी उससे ज्ञान के ऊपर का भी कोई ज्ञान है, विज्ञान है, वो जो है वो आपके यहाँ पे है कि 16 बच्चे 17 बच्चे, वाह 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 वाह, कीजिए भी 16 बच्चे 17 बच्चे, फिर वो जब 40 लाख 40 करोड़ लोग होंगे उनको ना तो आप नौकरी दे पाएंगे, क्योंकि ना तो बिजनेस है ना इकोनॉमी है। सर शुभ शुभ बोलिए, इतनी खौफनाक बातें ना कीजिए कि इतने सारे बच्चे, लेकिन अगर हम सर एक बात और जो हम डिस्कस करने जा रहे थे कतर वाली, उसके बारे में अगर हम बात करें तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी फॉरेन पॉलिसी की, और इस पे आप क्या कहेंगे कि वो जो आपके 8 नेवल ऑफिसर्स जो है कतर में, उनकी सजा जो थी वो बदल दी गई है? देखिए जी, बदल दी गई है, आपने बिल्कुल सही कहा, और सिर्फ 8 की नहीं बदली, बल्कि जो आप अगर देखेंगे कुवैत ने किया कि कतर ने किया, कतर, अच्छा, जो जो कतर ने जो ये सजा माफ की है वो सिर्फ उनकी नहीं की है, 8 बहुतों की कर दी है। मतलब मैं आपको एक पूरा रिकॉर्ड दे सकता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, वो ये है कि टोटल 115 लोग थे, ठीक है ना, 115 में से जो 15 लोग थे उनकी डेथ सेंटेंसेस को कम कर दिया गया है, और उसके अलावा मतलब इस तरीके से की गई। तो ये 8 जो हमारे नेवी के थे, ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्टैंड, जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री आप कह लीजिए पाकिस्तान इंडिया की है, और ये संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ, मैं तो क्रेडिट दूंगा प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल करिश्मा को, ये मोदी जी का है विक्ट्री। जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, भैया ये तो वाकई में मुमकिन हो गया भैया, मोदी जी तो हमें लग रहा है कि वो मतलब जो चाहे वो कर दें यार। आजकल की डेट में मेरे पास कुछ पैसे कम है घर बनाने के लिए, मैं सोच रहा हूँ मोदी जी को लिख दूं, वो चाहेंगे तो हो जाएगा, मतलब मोदी है तो वाकई। सर वो आप कह रहे हैं बार बार मोदी है तो मुमकिन है, और अगर कोई पाकिस्तान से यही बात कर दे, अगर हम तारीफ के उसमें भी अगर कह दें कि जी मोदी जी हैं तो मुमकिन है कि इंडिया में बड़ा कुछ हुआ मोदी जी के टेन्योर में, तो जी बहुत लोग हैं सर उनके तो सही मिर्चें लग जाती हैं, तो नाचना शुरू कर देते हैं, क्यों कह दिया क्यों कह दिया। मतलब ये पहले लोग देखे मैंने कि आपके प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तानी तारीफ कर रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर की हमेशा जो बुराइयां होती रही पाकिस्तान में उसको छोड़कर पाकिस्तान के लोग जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मोदी है तो मुमकिन है, और इसके ऊपर पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी जो है वो नाराज हो रहे हैं, वो भड़क रहे हैं, कहते जी क्यों कहा, तो मतलब ये वाला पागलपन मैंने पहली बार देखा है इंडियंस में, पहले कभी ऐसे ऐसे लोग मेरे से टकरे नहीं है, लेकिन इस बार तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर मैं तारीफ करूं मोदी जी की तो भी मेरे गले पड़ जाते हैं। अच्छा जब मैं नहीं करती थी 4 साल पहले तो उसमें वीडियो लगा रहे यार, चाहते क्या है एक बार बता दें ताकि मैं उस हिसाब से चलूं, लेकिन बहरहाल ये सब बात सिर्फ मेरी नहीं है, मोदी जी की बात आपने देखा होगा, इमरान खान ने भी तारीफ की थी, उन्होंने कहा जी वो करप्ट नहीं है, तो ऐसा ऐसा करके, और जो इस्लामिक कंट्रीज है उन्होंने भी उनको बड़े अवार्ड्स वगैरह दिए, तो हर जगह पे कहीं ना कहीं उन्होंने अपना काम करके कोशिश की और अपने काम से जो है वो आगे बढ़े। मैं भी कोशिश करती हूँ, काम करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, लेकिन मुझे आजकल हिंदुस्तान के लोग जो है वो सबको नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ लोगों का बिहेवियर बहुत अजीब लगता है कि वो इस बात पे भी भड़क रहे होते। एक आध तो खैर उनमें से कांग्रेसी है, तो यकीनन जो जिनका ताल्लुक कांग्रेस से उन्हें तो यकीनन बुरा लग रहा होगा कि आखिर मोदी जी की तारीफ क्यों हो रही है, मगर यही है कि ये फॉरेन पॉलिसी की ही आपको अचीवमेंट लग रही है कि ये इतने लोगों को जो है वो छोड़ दिया गया या उनकी सजा बदल दी गई? जी देखिए, बहुत से लोगों ने मोदी जी के बारे में अपनी ओपिनियन रखी थी और वो बदले, तो यदि आपकी मोदी जी के बारे में कोई ओपिनियन थी आप बदलें तो कोई बात नहीं, इंसान सीखता है, इवोल्व होता है, हम सब सीखते हैं। स्मृति ईरानी जी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट में धरना किया था, बहुत लोग बदल गए क्योंकि लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो एक मैं जिनका बहुत बड़ा फैन हूँ तारिक फतेह साहब, उनका ये वीडियो था कि भाई इंडिया को बाल्कनाइज हो जाना चाहिए, ये तारिक फतेह साहब का वीडियो भी फ्लोट किया गया था, लेकिन तारिक फतेह ने जो काम किया वो तो भारत के सच्चे सपूत भी कहीं नहीं कर सकते थे, उन्होंने भारत के उसको जुबान दी। कई पाकिस्तानियों ने भारत के लिए वो किया जो शायद हिंदुस्तानी ना कर पाते, भारत हमेशा तारिक फतेह साहब का ऋणी रहेगा, भारत हमेशा जो ताहिर गोरा सर है उनका ऋणी रहेगा, इस तरीके के कई अनसीन पाकिस्तानी हैं, हाँ सब नहीं है, हमें भी डर लगता है क्योंकि पाकिस्तान का जो इस्लामिक रेडिकलिज्म है वो इतना ज्यादा है कि लोग डरते हैं,
बट मैं ये भी जानता हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि लोग है जो 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 बदले हैं और जो वाकई में जनरली बिलीव करते हैं। सर मेरे मुझे मैं अगर साड़ी पहनूं मेरे साड़ी पहनने पे एतराज किया जाता है। मेरी तो ग्रैंड मदर साड़ी पहनती थी, मैंने उनको कभी शलवार कुर्ते में देखा ही नहीं। मेरी मदर साड़ी पहनती थी, मेरी मदर की शादी साड़ी पहनकर हुई थी। क्या उनको भी आप के लोग यही कहेंगे कि वो ISI की एजेंट्स थी या क्या थी, उनको उनके ऊपर भी यही इल्जाम लगाया जाएगा? मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं इस किस्म के कमेंट्स पढ़ती हूँ, इस किस्म के लोगों को देखती हूँ। और बड़े ऐसा नहीं कि फेक आईडी वाले, नॉन आईडी वाले जो हैं वो भी इस किस्म की बातें जब करते हैं तो आप बजाय अप्रिशिएट करने के कि कोई यहाँ से बैठ के सही बात कर रहा है या सच बोल रहा है, उसके बजाय उसके ऊपर पर्सनल अटैक शुरू कर देते हैं। मुझे तो ये बात भी नहीं समझ में आती है कि अगर ISI आपको साड़ी पहने और बिंदी लगाने को प्रमोट करता है तो अच्छी चीज है। अभागे लोग हैं, अपने आप से नफरत करते हैं, और आप जैसी पाकिस्तानी जो है वो कम है, और हम चाहते हैं कि आप जैसे पाकिस्तानियों की संख्या बढ़े जो दिल से हिंदुस्तानी हैं और अपनी आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूज नहीं है। ये ही लोग थे जब आपने ट्वीट किया था कि बड़े पिताजी दादाजी आपने वाट लगा दी, तो आपकी वो प्रशंसा भी कर रहे थे। ठीक है, देखिए एक बात जान लीजिए, लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो ठीक है आप अपना काम करें, आप अपना अपनी कन्विक्शन पे रहें, सच्चाई झूठ जो है वो तो सामने ही आ जाएगी, तो उसके लिए आप ना रहें। लोगों ने गालियां तो सबको देनी है, और हम पब्लिक लाइफ में, तो मैं तो ये मान के रखता हूँ मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, तो कुछ कहेंगे ये मिश्रा को कुछ नहीं आता, वहां डपोर संख है भौंक रहा है, कुछ कहेंगे वाह 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 क्या ज्ञान दिया है, कुछ कह रहे हो खून पी रहा है। तो मुझे तो न्यूट्रल रहना है, आप समझ रही है ना, मुझे डपोर संघ से लेकर के महाज्ञानी से लेकर के परम मूर्ख से लेकर के हर चीज हूं मैं, जिसकी जैसी वो है ना, हमारे गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जिसकी जैसी मूरत देखी तिनी, ऐसे करके एक है कि जिसके मन में जैसा है उसको वैसे ही दिखता है। तो आप बिल्कुल भी आप ना हो, आप भारत के मैत्री के लिए, और अब भारत की एम्बेसी आपको बुलाती है तो मेरे ख्याल से इंडियन एम्बेसी को भी डाउट कर देना चाहिए कि भाई आपको नहीं बुलाए, इन्वाइट ना करे। लेकिन यह है कि कुछ अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में, संख्या बहुत कम है मैं मानता हूँ, लेकिन आप जैसे अच्छे लोग हैं जो दोनों कंट्रीज में फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, मुझे ऐसा गट फीलिंग होता है, मेरी ये दिल कहता है, मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मैं सब कुछ जान जाऊं, ना ही मेरे अंदर मेरे पास वो पावर है, लेकिन मेरा गट फीलिंग ये कहता है कि आप एक अच्छी इंसान है, आप दोनों देशों के बीच में अच्छी दोस्ती चाहती है, प्लस आप अपनी बैकग्राउंड और रूट्स को लेकर परेशान है। आप ही बताती थी कि मैंने आपको साड़ियों में और बिंदियों में देखा, और मैंने ये भी कमेंट सुना है पाकिस्तानियों से कि वो तो साड़ी बिंदी लगाती है, वो तो मौलाना का मजाक उड़ाती है, इस तरीके से वो ऐसी हो गई है। तो अब अगर पाकिस्तान चाहता है कि मौलाना, अरे ISI चाहती है कि मौलाना साहब का मजाक उड़े, तो ऐसी तो एजेंट के ऊपर हमें फक्र होना चाहिए। अगर पाकिस्तान को ISI चाहती है कि एक उनकी जो एजेंट है वो साड़ी पहने और बिंदी लगाए और इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशन को प्रमोट करे, तो हमें तो फक्र होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान ऐसे ही बना दो भैया, आप सारे बच्चों को साड़ी बिंदी और वो लगाओ और उनको बनाओ, सबको ऐसा एजेंट बनाओ। बहुत शुक्रिया सर। और जहाँ तक इंडियन एम्बेसी की बात है, मैं बहुत प्यार मिला है मुझे इंडियन एम्बेसी से इस्लामाबाद की, और एक बार नहीं दो बार मुझे साड़ी के गिफ्ट भी मिले हैं, मुझे ज्वेलरी भी मिली है, और मिठाई तो खैर मिलती ही रहती है। तो बहुत ख्याल करते हैं वो लोग, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और मुझे भी वहाँ जाके कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी और कंट्री के एम्बेसी में आई हूँ, ऐसे लगा जैसे अपने घर में ही हूँ। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। आप तो प्रयागराज की है, आप तो भारत की बेटी है, बिल्कुल आपका घर है ये, और आप आए कभी तो हम आपसे आपको बनारस भी घुमाएंगे, प्रयागराज भी घुमाएंगे, यू आर मोर देन वेलकम। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जल्दी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।